चलिए पिछले सेशन में सीखे गए टेक्निक को इस्तेमाल करके 24 क्यूब्ड की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ टेंस डिजिट का नंबर 2 है और यूनिट्स डिजिट 4 है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिले? जी हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें 4 देगा। इसके बाद पहले कॉलम में हम टेंस डिजिट का क्यूब लिखेंगे, वो 2 क्यूब्ड होगा जो कि 8 के बराबर होता है। और उसके बाद हम इस नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हम चौथे कॉलम पर नहीं पहुंच जाते। 8 टाइम्स 2 16 होता है, 16 टाइम्स 2 32 होता है, 32 टाइम्स 2 64 होता है। इसके बाद हम दूसरे और तीसरे कॉलम के नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 टाइम्स 2 32 होता है और 32 टाइम्स 2 64 होता है। ये मत भूलें कि ये दो नंबर्स हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कौन सा नंबर क्यूब कर रहे हैं। अब हमें बस कॉलम्स ऐड करने हैं। ये कॉलम हमें 64 देता है। हम यहाँ 4 लिखते हैं और 6 को कैरी ओवर करते हैं। 6 प्लस 32 प्लस 64 102 के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ एक 2 लिखते हैं और 10 को कैरी ओवर करते हैं। 10 प्लस 16 प्लस 32 58 होता है। 8 यहाँ लिखेंगे और 5 को कैरी ओवर करेंगे और 5 प्लस 8 13 होता है। 24 क्यूब्ड 13,824 होता है। ये तो बहुत जल्दी हो गया। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या ये टेक्निक तब काम करेगी अगर ये नंबर यहाँ एक फ्रैक्शन होगा तो? क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है? चलिए देखते हैं। हमें 63 का क्यूब ढूंढने के लिए कहा गया है। यहाँ नंबर का टेंथ डिजिट 6 है और यूनिट्स डिजिट 3 है। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3 मिलेगा? जी हाँ, हम 6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 मिलता है। हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो अब तक हम 2 डिजिट के नंबर्स को क्यूब करने के लिए यूज करते आ रहे हैं। पहले हम टेंथ डिजिट का क्यूब लिखते हैं। 6 क्यूब 216 के बराबर होता है और फिर हम 216 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 108 मिलता है। 108 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 54 मिलेगा और 54 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 27 मिलेगा। ये हमारे 4 कॉलम्स की पहली रो को पूरा करता है। इसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 108 टाइम्स 2 216 होता है और 54 टाइम्स 2 108 के बराबर होता है। अब हमें केवल इन कॉलम्स को ऐड कर देना है। ये कॉलम हमें 27 देता है। हम यहाँ 7 लिखते हैं और 2 को कैरी ओवर करते हैं। 2 प्लस 54 प्लस 108 164 के बराबर होता है। 4 यहाँ और 16 कैरी ओवर। 16 प्लस 108 प्लस 216 340 होता है। 0 यहाँ लिखा जाता है और हम 34 को कैरी ओवर कर देते हैं। 34 प्लस 216 250 के बराबर होता है। 63 क्यूब्ड 250,047 के बराबर होगा। 2 डिजिट नंबर्स को क्यूब करने वाली ये टेक्निक तब भी काम करती है अगर यहाँ ये नंबर एक फ्रैक्शन हो तो। अगले कुछ सेशंस में हम देखेंगे कि बेस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कितनी जल्दी नंबर्स को क्यूब कर सकते हैं।